नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अंशु। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। गुंडे न सोने देते हैं न जीने देते हैं, साहब अपने आवास वापस ले लो। शहदों की हरकतों से त्रस्त काशीराम आवास में निवास करने वाली दो दर्जन से अधिक महिलाओं ने उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर उनसे आवंटित किए गए आवासों को वापस लेने की मांग की। आज दोपहर में रिमझिम बारिश के बीच कचहरी परिषद पहुंची लोगड़िया जनजाति की महिलाओं ने उप जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव को प्रार्थना पत्र देकर अपना दुखड़ा सुनाया। मालूम हो कि मोहल्ला कोरे चानाका में मायावती के मुख्यमंत्री काल में काशीराम कॉलोनी का निर्माण कराया गया था। कॉलोनी बनाने के बाद लगभग 400 आवासों को आवंटित किया गया था। 4 साल पूर्व आवास आवंटित में लोगड़िया जाति को 27 आवास आवंटित किए गए थे। शहदों की हरकतों से दहशत ज़दा महिलाओं ने प्रार्थना पत्र में बताया है कि वह लोगड़िया जनजाति की हैं। आवासों में वह अपने परिवारों के साथ रहती हैं। चूंकि वह मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं तो उनके पति मजदूरी व काम करने के लिए घर से बाहर जाते हैं और घरों में महिलाएं अकेली रह जाती हैं, तो उन्होंने अकेला देखकर आवारा व गुंडा किस्म के व्यक्ति आ जाते हैं और महिलाओं से अश्लील प्रकार की बातें और हरकतें करते हैं और रात में आकर उनके मकान के दरवाजे पर लात घूंसे मारकर सोने नहीं देते तथा कॉलोनी में भी काम करने नहीं देते। शहदों के आए दिन बढ़ रही हरकतों से महिलाओं में भय व्याप्त है। महिलाओं ने कहा, साहब हम लोग अपने अपने काशीराम कॉलोनी में आवंटित किए गए आवासों को छोड़ना चाहते हैं। हमें अन्य व सुरक्षित जगह आवास भूमि आवंटित करने की कृपा करें। हम लोगों का गुंडे व मवालियों ने जीना दूभर कर दिया है, इसलिए हमें आवास छोड़ने की अनुमति दी जाए। उप जिलाधिकारी ने महिलाओं की समस्याओं को सुना। बाद में महिलाओं की सुरक्षा का आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे व महिलाओं को परेशान करने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रार्थना पत्र किरण, ममता, पूजा, कमला, रेखा, केसर, रेशमा, सुमन, रामकली, राम सखी, सीमा, पार्वती, संतोष, पूरन, भामा समेत कई महिलाओं ने प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किए। रिपोर्टर विजय शर्मा की रिपोर्ट। कॉलोनी में जीने नहीं देते हैं। कहाँ का मैटर है ये? आवास काशीराम आवास में हम वहाँ पे रहना नहीं चाहते। हमें कुछ झोपड़ी चाहिए, झोपड़ी अलग से हमें चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहती वहाँ पर? हम वहाँ पे माहौल गंदा आएगा, बहुत गंदा आएगा। हमको मारा पिट्टी करते है, हमारे ऊपर गुंडे लेके आते, हमारी सियानी समाई लड़की है, हम वहाँ पे नहीं रह सकते। कौन लोग हैं जो बदतमीजी करते हैं? ड्राइवर गाड़ी चला के आते रात में, गेटों में लाते मारते हैं और हमको सबको परेशान करते हैं। कैसा माहौल गंदा है वहाँ पे, अब तो कहना नहीं चाहते। हम भी लेडर थे जे माहौल में, हम कहना नहीं चाहते। आके बंद करके सुना जाता है, वो तो सबको दुनिया को माहौल का पता है। वहाँ पे हम रहना नहीं चाहते हैं। हम इतनी हमारी हाथ जोड़े की विनती। अभी आप कहाँ पर आए हैं एप्लीकेशन लेके? हम SDM साहब के पास आएंगे। हमको एक तरफ पूरा मोहल्ला एक तरफ हमको दिया जाए, हमारी जय। क्या आश्वासन दिया है उनने? उनने जे किया, तुम्हारी समस्या हल करेंगे, तुम्हारी मदद होगी। तो ये थे फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए चैलेंज न्यूज 24। नमस्कार।